सीएम ऑफिस को जुटे रालोद के हजारों कार्यकर्ता और प्रशासन को जुलाधीश की दी चेतावनी। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक, पूर्व नेता, मंत्री और पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम ऑफिस पर रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान, विधान दल के नेता राजपाल बलियान और खतौली विधायक मदन भैया भी पहुंचकर सभी नेताओं के सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोले रखें और सरकार से गन्ने का भाव घोषित करने हैं व गन्ने का भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। मंच से कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए खतौली विधायक मदन भैया ने कहा कि सफलता सिर्फ दो कदम आगे है, निश्चित रहिए सफलता जरूर मिलेगी। जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक महीने से किसान संदेश अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय लोक दल ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इसमें गन्ने के रेट के भाव हैं, किसानों के गन्ना भुगतान की बात है और आवारा पशुओं से किसानों की फसल नष्ट हो रही है और किसानों की ट्यूबवेल पर जो बिजली के मीटर प्रशासन के लोग लगाना चाहते हैं। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने आज डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे इस जिला का कोई भी एससी या एक्शन हो, वह अपने दिमाग से गलतफहमी दूर कर दे कि वह किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगा देगा। इस जनपद मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वह समय घर ले या धरती धर ले, इनकी औकात नहीं है कि वह गांव में जाकर किसान के ट्यूबवेल पर मीटर लगा दे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश पर पिछले एक महीने से पार्टी का किसान संदेश अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें किसानों की तीन मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। उसमें किसानों के गन्ने के रेट की मांग है, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान है और आवारा पशुओं से जो किसानों की फसल नष्ट हो रही है और जो किसानों की ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर प्रशासन के लोग लगाना चाहते हैं, इन मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। क्या समझ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से इस प्रशासन के लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे कोई इस जनपद का एससी हो या एक्शन हो, वो अपने दिमाग से गलतफहमी दूर कर दे कि वो किसान की ट्यूबवेल पर मीटर लगा देगा इस जनपद मुजफ्फरनगर में। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर चाहे समय धर लें, दिन धर लें, कि उनकी औकात नहीं कि गांव में जाके किसान की ट्यूबवेल पे मीटर लगा दें।